जम्मू कश्मीर से आतंकियों के सफाए में जुटी मोदी सरकार की नीतियों को अब और तेज धार मिलेगी जब तेज तर्रार अधिकारी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। महबूबा सरकार गिरने के बाद से राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया है। ऐसे में घाटी के लिए देश के दो तेज तर्रार अधिकारियों को बहाल किया गया है। उन्हीं में से एक हैं छत्तीसगढ़ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, जिन्हें राज्यपाल ने मुख्य सचिव नियुक्त किया है, जबकि IPS विजय कुमार को राज्यपाल के सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। BVR सुब्रमण्यम को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति बहाल के लिए जाना जाता है। सुब्रमण्यम मोदी सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद संभाल चुके हैं, जिसके बाद उनकी वापसी अपने कैडर छत्तीसगढ़ में हुई थी। वहीं IPS विजय की बात करें तो जिस समय साउथ के जंगलों में कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन का खौफ था, उस वक्त यानी साल 2001 में IPS विजय कुमार ही थे जिन्हें तत्कालीन CM जयललिता ने फोन कर अचानक तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का प्रमुख बना दिया था। IPS विजय के नेतृत्व में टीम ने 2004 में खूंखार तस्कर वीरप्पन को मार गिराया था। कहा जाता है कि तमिलनाडु के जंगलों में रह रहा वीरप्पन एक वन अधिकारी का सिर काटकर साथियों के साथ फुटबॉल खेला था। ऐसे खूंखार तस्कर को मार गिराने वाले विजय कुमार को जंगलों में ऑपरेशन चलाने का अच्छा अनुभव है। शायद इसीलिए उन्हें कश्मीर में राज्यपाल के मुख्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिससे कश्मीर की घनी वादियों से आतंकवाद के सफाए में मदद मिल सके।